हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नेस्टेड हमारी जो लिस्टिंग है किस तरीके से HTML और jQuery के साथ एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही इजी अप्रोच है। और अगर इसी चीज को हम लोग JS में करना चाहें तो हमें बहुत सारी लाइन लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें jQuery की तो यहाँ केवल हमें 2 लाइन ऑफ कोड लिखना है 2 स्टेप में और हमारी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो जाएगी। तो उसको कैसे हम लोग कर पा रहे हैं और क्या फंडामेंटल है, उस सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको ये जो डिस्कशन है नेस्टेड लिस्टिंग की वो खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छे बेहतर डेवलपर की ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये डायनेमिक अप्रोच है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है, जो पहले की वीडियो है उसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये सारी फंक्शनैलिटी है। तो आई होप कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो हमने अपने टैग में बॉडी टैग के अंदर एक ओएल लिया है। ठीक है, अब अगर आपको ओएल नहीं पता है तो उसके लिए आप 2 चीज कर सकते हैं। मैं तो मोजिला पे चला गया, लेकिन अगर आपकी बात करें तो आप HTML के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस रखें जिससे कि आपको आइडिया लग पाए। ठीक है, तो ओएल जो होता है वो लिस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आइए बात हम लोग आगे करते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो यहाँ हमने क्या करा है, सबसे पहले कि हमने इस स्क्रिप्ट को jQuery को यहाँ पे HTML के साथ लिंक किया है। ठीक है, लिंक करने के बाद लर्न jQuery लाइक दैट। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहां पे हमने फंक्शन बनाया। इस मेनू में कैटेगरी हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, प्रोडक्ट हमारा टीवी मोबाइल और फुटवेयर में प्रोडक्ट हमारा नाइकी और इस तरीके से प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों कैटेगरी को जो इलेक्ट्रॉनिक है फुटवेयर है, इन दोनों को इसके साथ लिस्टिंग करानी है। तो डॉलर ईच हमारा जो है वो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मेनू लिखे, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो एक बार में मिल जाएगा और मैं लिखने जाऊं तो उससे टाइम लगेगा। तो चीजों को अगर समझते चलेंगे तो आसान रहेगा, इसीलिए मैंने इस तरीके का अप्रोच आप लोगों के साथ रखा। पहले हम लोग वहां देख लेंगे, फिर यहाँ पे आके फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसके प्रोसेस को समझ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फंक्शन में की और वेल अगर आइटम देखेंगे आप, ये कॉल बैक के तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे डॉलर साइन के साथ इसको बैटिक कहते हैं। बैटिक में हम लोग डॉलर के साथ डायनेमिक वैल्यू को इनहेरिट करते हैं अपने HTML के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे li में हम लोग आइटम, अब आइटम डॉट कैटेगरी, आइटम डॉट कैटेगरी की बात करें तो ये हमारा आइटम हो गया की और वैल्यू पेयर में, तो जो की है वो तो हमारा जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो वैल्यू है उसको हमें इनहेरिट करना होता है। तो आइटम डॉट कैटेगरी, कैटेगरी में हमारे ये दो जो कैटेगरी हैं वो आ जाएंगे डॉट अपेंड टू ओएल, मतलब ये ओएल में अपेंड हो जाए दोनों कैटेगरी। ठीक है, स्पेसिफिक ओएल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर डॉट डॉलर जो लगा है साइन, डॉलर के बाद डॉट ईच, अगेन एक लूप चले जिसमें आइटम डॉट प्रोडक्ट, अगर आइटम डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये हो
एज अ डेटा। अभी क्या डेटा था हमारा, मेनू डेटा था। अभी जो डेटा शिफ्ट हो गया आइटम डॉट प्रोडक्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की बात। पहला हमारा टोटल डेटा था मेनू, अभी जो हमारा टोटल डेटा है वो प्रोडक्ट का डेटा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब प्रोडक्ट में बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को इनहेरिट करेंगे यूएल और एलआई में। एलआई के अंदर अपेंड टू ओएल, मतलब ये जो हमारा यूएल एलआई है ये डेटा प्रोडक्ट का ले, उसके बाद अपेंड कर दे ओएल में। तो यहाँ पे हमने जो बॉडी टैग में केवल एक ओएल टैग पेरेंट टैग लिया है, उसके बाद सारी चीजें हम लोग डायनेमिक अप्रोच से उसको मैनुपलेट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको लाइव सर्वर पे जाएंगे और चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, मोबाइल, फुटवेयर, नाइकी एंड इस तरीके से। ये कैसे हो पा रहा है, अगर इसको आप ध्यान दें तो, अगर हम लोग ध्यान दें इसमें, यहाँ पे अगर हम लोग कोई आइटम बढ़ा देते हैं या इसी को हम लोग रिपीट करते हैं, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी हमारे लिए। ये उस तरीके से हम लोग डायनेमिक अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं आगे। इसको सेव करेंगे तो अपने ब्राउजर में जाके देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे रिपीट हो चुके। तो कितने आसानी से हम लोग चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिससे कि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और एक आप बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो पाए डेवलपमेंट की जर्नी में। थैंक यू टू ऑल माई व्यूवर्स, बेस्ट विशेस टू यू, जय हिंद।